अच्छा आप देखिए वकुलबू हुन्ना जो जहां ये लफ्ज आया है इस पर हमारे मुतर्जिमीन हमारे जो है जो ट्रांसलेटर्स हैं उनमें एक नाम बहुत मशहूर है वो इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि वो पॉपुलर क्यों हैं इसलिए कि वो जो है जानबूझकर कुरान के एक्चुअल जो है जो ट्रांसलेशन है उसमें तहरीफ करते हैं तहरीफ करप्शन करते हैं कुरान का टेक्स्ट कुछ और होता है इनको पता है कि अगर उस टेक्स्ट का एज इट इज ट्रांसलेशन अगर कर दिया जाए तो बात बिगड़ जाएगी इसलिए क्या करते हैं उस टेक्स्ट में जो कुछ है वो जानबूझकर उसके माना बदल डालते हैं जानबूझकर। तो अब जाहिर बात है कि ऐसे लोग मेरी नजर में ऐसे लोग सचवाला की नजर में मुजरिम होते हैं मुजरिम मेरी नजर में अब्दुल्ला यूसुफ अली मुजरिम है मुजरिम क्रिमिनल है क्रिमिनल क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मुजरिम कहता हूं जो सच्चाई का साथ देने के बजाय झूठ का साथ देते हैं जानते बूझते हैं ऐसे लोग सचवाला की नजर में मुजरिम है। तो ये अब्दुल्ला यूसुफ अली मुजरिम जैसे मुतर्जिमीन कहते हैं ये वतुरीबू हुन्ना का जो है ट्रांसलेशन क्या करते हैं बीट दम स्लाइटली फूलों से मारो बीट दम स्लाइटली बहुत आराम से ऐसा प्यार से ऐसा मारो ये इनका अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलेशन है। अच्छा आपको मालूम है कि ये क्यों ये अंदर से बड़े शर्मिंदा हैं इनको पता है कि कुरान में बेशुमार ऐसे मवाक़े हैं जहां पर मुतर्जिमीन को जहां पर मुफस्सिरीन को शर्मिंदगी होती है इनको गिल्ट फील होता है ये एहसास जुर्म के तहत मतलब ये इस एहसास तले दब जाते हैं ये एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि भाई अगर ये लफ्ज को एज इट इज दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए तो फिर हम कहां रहे हमारा ईमान कहां रहा हमारा अल्लाह कहां है हमारा रसूल कहां है हमारी किताब कहां है भी सारा मामला जो है धर्म भ्रम हो जाएगा। तो अब इसलिए क्या करो इसमें जो है इसमें करप्शन करो तहरीफ करो यहरिफून अलकलमा अम मवाज़िअही यानी देखें उनमें मतलब यही तो तहरीफ यहूदी भी करते थे ना लेकिन मुसलमान यहूदियों को जो है पीछे छोड़कर उनसे कई गुना आगे निकल गए तहरीफ के मामले में यहरिफून अलकलमा अम मवाज़िअही के मामले में मुसलमान यहूदियों से कई गुना आगे हैं। तो जो है अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे मुजरिम का यह कहना है बीट देम लाइटली। अच्छा अब जाहिर बात है जो लोग मगरिब में रहते हैं जो लोग यूरोप में अमेरिका में रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अक्सर मगरबी ममालिक में शौहर अपनी बीवी पर अगर हाथ भी उठाएगा तो उसे जेल होनी है। क्या उस्मान भाई मैं गलत कह रहा हूं? सही बोल रहे जेल हो जाएगी सर जेल हो जाएगी ना क्या किसी हस्बैंड को यह राइट है यूरोप के किसी भी जो है मुल्क में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में कि एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए उसको राइट है? सवाल ही नहीं होता भाई वो बीवी मान लो कुछ गलती ठीक है गलती करी तो गलती की बात आप जबान से बोलो अगर वाकई ऐसी गलती है जिस पर वो एक जुर्म कहलाए और जो है उसको सजा मिलनी चाहिए तो आपका यह शौहर की जिम्मेदारी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ आपने उस्मान भाई गलत कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सही भाई अगर कोई जो है ऐसी गलती करता है जो काबिल गिरफ्त है जाहिर बात है उसको पुलिस में इत्तला दे और जो है पुलिस उसका जो है फैसला करेगी। एक शौहर को भी यह हक नहीं है कि अपनी बीवी पर हाथ भी उठाए जबकि कुरान कह रहा है वो गरीब हुन्ना उनको पीटो लिटरली पीटने की बात है ऑर्डर है हुक्म है। तो मेरा सवाल यह है कि कुरान की ये बातें यह हुक्म क्या आज की तारीख में एप्लीकेबल है। अच्छा और हम आगे चलते हैं देखिए आज ये जो है तरीक़ेकार बहुत आम हो गया है यूरोप अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही लेकिन उसके अलावा और भी जो है दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक आम सी बात है क्योंकि इंसान बाशऊर होने लगा है ये अपनी मतलब उस इंसान की सवाबदीत पर मुनहसिर है कि वो अगर उसकी मर्जी है तो ठीक ऐसा रहे नहीं मर्जी है तो जैसा उसके रहे जैसे उसकी मर्जी। अब देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ लिविंग रिलेशन आज की तारीख में एक आम सी बात है क्योंकि दो इंसान हैं दोनों समझदार हैं दोनों पढ़े लिखे हैं दोनों बाशऊर हैं वो अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं एक ही जगह वो अपनी मर्जी है जैसे उनकी मर्जी रहे वो इंसान है उनका राइट है भी वो यहां पर किसी को उन पर जो है उंगली उठाकर उनको गलत कहने का तक हक नहीं है। मगर कुरान ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है लिविंग रिलेशन रखने वालों को बेदर्दी के साथ सबके सामने 100 कोड़े मारने का गैर इंसानी हुक्म कुरान देता है। कुरान कह रहा है الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين। अब आप देखिए
यानी ऐसे लिविंग रिलेशन रखने वालों को कुरान एक टाइटल दे रहा है, वो जो खातून है उसको अज़ानिया कह रहा है और वो जो मर्द है उसको अज़ानी का जो है टाइटल दे रहा है। तो क्या कह रहा है कुरान, अज़ानियत वज़ानी फजरिजू कुल्ल वाहिद मिनहुमा, यानी इन दोनों में से एक एक को सौ सौ कोड़े लगाओ, वला तअखुज़ुकुम बिहिमा रअफा, यानी उनके बारे में किसी के दिल में कोई मोहब्बत कोई अपनाइयत नहीं आनी चाहिए, कोई नरमी नहीं आनी चाहिए। फी दीन अल्लाह के दीन में इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हो तो, वल यशहद अज़ाबहुमा, और फिर जो है ये जो सौ कोड़े लगाने वाला जो मामला है, ये जो आजाब है, तौइफतुम मिनल मुमिनीन, इस आजाब को पूरे के पूरे मोमिनीन अपनी आंखों से बरमरा तौर पर देखें इबरत के तौर पर। यह है कुरान, यह है कुरान की सजाएं। सवाल यह है कि क्या ये सजाएं, क्या ये सजाएं आज के की मेरी आवाज जो है ठीक आ रही है सर? आ रही जी। अच्छा ठीक, तो ये आजाब जो है मोमिनों की जमात अपनी आंखों से बरमरा तौर पर देखे, ये आजाब खुल्लम खुल्ला आजाब, जिनको सौ कोड़े लगाने वाला आजाब, मोमिनों की जमात खुल्लम खुल्ला, ये ना समझिए कि किसी बस्ती या किसी शहर किसी सिटी के चौक में एक जो है स्क्वायर में जहां सब लोग हों उनके सामने जो है ये आजाब इन दोनों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि ये जानी और जानिया कहलाते हैं। कुरान इस तरह का हुक्म दे रहा है, क्या इस तरह के अहकाम कुरान के आज एप्लीकेबल है, सवाल है। अच्छा आप देखिए कुरान एक और बात भी करता है, वो है मुनकिरीन इस्लाम की तारीफ कुलूब, यानी मुकद्दस रिश्वत, यानी होली ब्राइब, होली ब्राइब। अच्छा ये क्या है, कुरान में इसका बाकायदा हुक्म आता है, सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि कुरान ये कह रहा है कि फरीदतन मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का फरीदा है, तुमको ये लाजिमन करना ही करना है, फरीदा है अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से ये फर्ज है, अल्लाह ने इस चीज को फर्ज करा दिया है। वो क्या है कि देखें, कुछ लोग अगर इस्लाम की जो है कि इंकार कर रहे हैं, इस्लाम को नहीं मान रहे, कहते नहीं यार जो है मैं मेरा दिल नहीं मान रहा है कि इस्लाम को कबूल करना, यार इस्लाम में जरा मामला गड़बड़ दिख रही, मैं नहीं मानता, मैं इंकार की तरफ जो है झुक रहा हूं, मेरा दिल इंकार की तरफ माइल है, मैं इस्लाम को मान नहीं सक रहा। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना है, होली ब्राइब देना है उनको, लेना कि अभी ठीक है यार जो है तो इस तरह की बातें मत कर, ये ले ये 10,000 रियाल ले ले, ये 10,000 रियाल ले ले। वो कहेगा नहीं यार जो है मैं नहीं, अच्छा ये ठीक है 50,000 रियाल ले ले, नहीं यार मैं नहीं मान सकता, अच्छा 50 से भी बस काम नहीं चल रहा, ये 1,00,000 ले ले भाई, 1,00,000 सऊदी रियाल ले ले, और क्या चाहिए तेरे को, नहीं भाई नहीं मानता मैं, अच्छा ये 5,00,000 सऊदी रियाल ले ले। वो कहेगा अच्छी बात है ठीक है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद वो मुसलमान हैं और जो है मामला चल रहा है, ऐसी बात को कुरान क्या कह रहा है, वल मुअल्लफत कुलूबुहुम फिर रिकाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह वबनि सबीली फरीदतन मिन अल्लाह, जिस तरह से और दूसरे काम अल्लाह की तरफ से फरीदा कहलाते हैं, ये मुअल्लफत कुलूबुहुम भी फरीदा है अल्लाह की तरफ से, मुकद्दस रिश्वत, डिवाइन ब्राइब है, डिवाइन ब्राइब, घूस क्या कहते हैं इसको, घूस कहते हैं ना, अब इसको जो है होली ब्राइड को क्या कहेंगे, बहुत ही जो है जी हमारे अब्दुल हमीद साहब, इसको पवित्र घूस कहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, पवित्र घूस ही बोलेंगे क्या, ये क्या, नहीं देखें कि जो एक आदमी जो है एक मुसलमान वो इस्लाम छोड़ने के करीब आ गया, वो बोला नहीं यार मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को, या फिर मान लो कोई एक नॉन मुस्लिम है वो इस्लाम कबूल करना चाहता था लेकिन वो जरा मामला गड़बड़ है, वो बोला नहीं यार मैं पूरी तरह से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा इस्लाम से, तो ऐसी सूरत में उसको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ले भाई ये 10,000 रियाल ले ले, अब तू जो है इस्लाम कबूल कर ले यार, वो बोले नहीं यार नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये 50 ले ले, ये 1,00,000 ले ले, ये 5,00,000 ले ले, वो बोलेगा अच्छी बात है ठीक है, अब 5,00,000 सऊदी रियाल मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है मेरी जिंदगी चलती है सुकून से, मेरी पूरे जो है साथ मेरी जो है वो जो है नस्लें बैठ के खाएंगे, 5,00,000 सऊदी रियाल किसको बोले, आराम से जो है जिंदगी गुजरेगी, ले लिया। तो अब ये जो है ना ये जो तरीका है इसको कुरान में कहा गया मुअल्लफत कुलूबुहुम, यानी तालीफ कुलूब, यानी दिलों को नरम करने, दिलों को पलटाने, इस्लाम की तरफ पलटाने का ये एक जो है ये हथकंडा है, हरबा है, फिर उसमत वही है। अब इसको जो है अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो क्या जो है इसको पवित्र घूस कहेंगे, क्या मैं ये पूछ रहा था, पवित्र घूस। अच्छा आपको मालूम है ये पवित्र घूस कुरान में फरीदतन मिन अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से फर्ज है,
कुरान ने इसको, इस अमल को अल्लाह का फर्ज कहता है। अब सवाल यह है कि क्या यह पॉसिबल है? आज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए, हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।